अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर, एक की हुई मौत, दो की हालत गंभीर। जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर बरपाया, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रास्ते से आने जाने वाले लोगों ने लहूलुहान हालत में पड़ा देख घायलों को पुलिस को सूचना देकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने एक सवार को मृत घोषित कर दिया और अन्य दो को भर्ती कर उपचार के लिए भर्ती कर दिया है। आपको बता दें, मामला चिल्ला थाना क्षेत्र का, जहां पर देर शाम तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने तारा से चिल्ला जा रहा बाइक सवारों को तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार तीन लोग सड़क किनारे जा गिरे। रास्ते से आने जाने वाले ग्रामीणों ने देखा तो घटना की जानकारी के बाद चिल्ला पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं दो सवारों की हालत गंभीर देख उपचार के लिए भर्ती कर लिया और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी क्राइम न्यूज बांदा से विष्णु सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश। दिनेश, कहाँ के रहने वाले हो? तारा। तारा, ये कौन है तुम्हारे? दिनेश ये चाचा लगते हैं जी। कहाँ गए हुए थे ये, कैसे घटना? जी सर, हमको पता नहीं है, हम यहाँ थे नहीं, अभी तर्रा से हम काम करके आ रहे हैं, तो हमको फोन आया, तो बांदा उधर से घोड़ा चौरा उतर। क्या फोन आया था? ये इनका एक्सीडेंट हो गया। किस गाड़ी से हो गया जानकारी? तो चिल्ला के पास एक्सीडेंट का। क्या मामला? अभी यहाँ पर एक्सीडेंट में तीन मामले आए हैं, जिसमें से दो व्यक्ति मन्ना और प्रदीप, प्रदीप नाम के, मैं यहाँ पे इलाज चल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंभीर अवस्था में बने हुए हैं। और एक मरीज जिसका नाम प्रांशु था, 18 साल की उम्र का, उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी को पीएम के लिए पोस्टमार्टम करना है।